आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्र सरकार के कानून और न्यायपालिका मंत्रालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का संशोधन कर मतदान सूची में कई संशोधन किए गए हैं, जो अगस्त 1 से कार्यान्वित हुआ है। इसके बारे में झांसा कलेक्टर कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया। कल बहरामाल ओवरब्रिज के पास एक कार और एक बाइक के बीच में टक्कर होने के कारण बाइक सवार घायल होने के साथ कार पलट गया था, जिसके कारण काफी समय तक रोड पर ट्रैफिक जाम देखने को मिली। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर भीड़ को नियंत्रण किए। समलपुरी दिन के अवसर पर ईजेवी फाउंडेशन की ओर से बड़माल स्थित वसंत विहार में ब्लड डोनेशन कैंप और डेंटल एग्जामिनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में 30 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। कल मंगल बाजार स्थित ऑडिटोरियम में पश्चिमांचल एकता मंच की ओर से बड़े धूमधाम से समलपुरी दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के कई कलाकार शामिल हुए थे। इस समारोह में कई लोगों को सम्मानित किया गया। MCL विस्थापितों को कोडोलोई में 28 एकड़ 80 डिसमिल जमीन देने के लिए प्रशासन निर्णय लिए थे, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से कोडोलोई वासी इसका विरोध कर तहसीलदार के पास एक मेमोरेंडम सौंपे हैं। बेलपहाड़ रानी सती मंदिर के पास एक सांड के आक्रमण से नारायणा नामक एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली है। स्थानीय नियुक्ति की मांग को लेकर लखनऊ प्रोजेक्ट ऑफिस के सामने स्थानीय युवकों ने धरना देने के साथ प्रोजेक्ट ऑफिसर को मेमोरेंडम सौंपा है। बड़माल थाना अंतर्गत सापड़ा में पिछले 30 तारीख रात को राकेश स्वाई के घर के सामने एक बाइक चोरी करने के आरोप में बड़माल पुलिस ने सापड़ा के जितेश प्रधान नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। कल झरसा जिले के कई जगह पर समलपुरी दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। झरसा टाउन स्थित चौकीपाड़ा में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू होने को लेकर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर सरोज कुमार शामल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में रेलवे अधिकारी सब उपस्थित थे। टाउन थाना अंतर्गत बुरोमाल के राजू मंडल साइकिल से जाने के दौरान एक स्कूटी तेज रफ्तार से आकर उन्हें टक्कर मारने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें उद्धार करके जिला मेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना मिली है। अगर आप हैं खाने के शौकीन तो हम रखेंगे आपके स्वाद का खास ख्याल। अग्रवाल्स बेकरी, ए परफेक्ट प्लेस टू सेटिस्फाई योर हंगर। फ्रेशली बेक्ड केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज के साथ साथ पिज्जा बर्गर का भी मजा लें। डू विजिट टुडे विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल। अग्रवाल बेकरी, कलेक्ट्रेट रोड नियर शंकर होटल झारसुगड़ा।